केंद्र सरकार के गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव के किसानों ने भी भाग लिया। यहां के जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। उन्होंने भी किसानों के साथ प्रधानमंत्री को सुना। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का 8 साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से पूरे देश के हमारे अलग अलग योजना के हितग्राहियों से सीधी भेंट और मुलाकात 30 मई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 8 साल आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के इस अवसर पर और 8 साल पूरे होने पर न केवल प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजनाएं और उन योजनाओं का देश में पड़ने वाला प्रभाव गांव गरीब और गरीब के साथ साथ उन हितग्राहियों से सीधी बातचीत करने का अभिनव प्रयास आज हम राजनांदगांव सहित 1500 अलग अलग स्थानों में जुड़कर प्रधानमंत्री जी से हितग्राहियों से सीधी बात कर रहे हैं। और यहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे 16 अलग अलग योजनाओं में देश के अंदर जो बड़े काम हुए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान पीएम सम्मान निधि की 11वीं किश्त के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान राशि हस्तांतरित की।